नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 24 दिसंबर 2018 और इस वीडियो में देखेंगे आज का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक के विलय को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है। तो देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। अब बात आई है वित्त मंत्रालय, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली। और तीन बैंक विलय हुआ है, मतलब मर्ज हुआ है, तो तीनों बैंक के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन है तपन राय और इनका हेड क्वार्टर है मुंबई। और उसके बाद देना बैंक के चेयरपर्सन है अंजलि बंसल और इनका हेड क्वार्टर है मुंबई। अब बात करते हैं विजया बैंक के बारे में। विजया बैंक के चेयरपर्सन है शंकर नारायण, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है विजया बैंक का? बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है, जो कर्नाटक की राजधानी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी मानकों में असफल रही टेलीकॉम कंपनियों पर किसने 56 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। तो देखिए, हाल ही में ट्राई ने कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी मानकों में असफल रहे टेलीकॉम कंपनियों पर 56 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, ट्राई। अब बात आई है ट्राई की, तो ट्राई के बारे में जानते हैं। ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिपीट करता हूँ, ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वर्तमान में ट्राई के चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा और सेक्रेटरी जनरल कौन है? ट्राई के सुधीर गुप्ता। और ट्राई का हेड क्वार्टर है मुंबई में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को हाल ही में किस राज्य के सीएम कमलनाथ की नई ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की नई ओएसडी नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अब बात आई है ओएसडी, तो ओएसडी के बारे में आपको जानना है। ओएसडी का पूरा नाम होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की। अब बात आई है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम हाल ही में बने हैं कमलनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। एक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको मिलेगा और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है जीवाश्म नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भीमबेटका गुफाएं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तो इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति किसने जारी की है। तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, नीति आयोग। और इनमें 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण किया गया है। अब बात आई है नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? और एक बात ध्यान में रखना है कि नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। और इनकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और एक बात ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रखा गया। तो इतना आप नीति आयोग के बारे में याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सरोगेसी बिल किसमें पारित हो गया है। तो देखिए, हाल ही में भारत में सरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सरोगेसी बिल
लोकसभा में पारित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सरोगेसी बिल व्यावसायिक सरोगेसी और इससे जुड़े अनैतिक कार्यों पर रोक लगाएगा। अब बात आई है लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में आपको एक बात याद रखना है कि लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर है सुमित्रा महाजन। तो इतना आप लोकसभा के बारे में याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW समूह ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ $13 अरब का समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में JSW समूह ने NRAI के साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए $13 अरब का समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, NRAI। अब मैं आपको JSW के बारे में बताता हूँ। JSW का पूरा नाम होता है जिंडल साउथ वेस्ट ग्रुप, यानी कि ये एक व्यवसाय ग्रुप है, और NRAI का पूरा नाम होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ कहते हैं। और JSW ग्रुप ने NRAI के साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए $13 अरब का समझौता किया है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानकारी रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विमान कंपनी मुंबई से बेंगलुरु के बीच सेवा शुरू करेगी? तो देखिए, हाल ही में एयर एशिया विमान कंपनी मुंबई से बेंगलुरु के बीच सेवा शुरू करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, एयर एशिया। आपको बता दें कि सस्ती विमान सेवा देने वाली कंपनी एयर एशिया इंडिया ने जल्द ही मुंबई से बेंगलुरु के बीच सेवा शुरू करने वाली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 क्रिकेट में ग्रेस हैरिस ने दूसरा सबसे तेज शतक कितनी बॉल में लगाई है? तो देखिए, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में ग्रेस हैरिस ने दूसरा सबसे तेज शतक 42 बॉल में लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, 42 बॉल। और ग्रेस हैरिस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शेयर बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी शेयर बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, अमेरिकी शेयर बाजार। अब बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने 17 क्षुद्र ग्रहों पर पानी होने के सबूत खोजने का दावा किया है? तो देखिए, हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने 17 क्षुद्र ग्रहों पर पानी होने का सबूत खोजने का दावा किया है, यानी कि इसका उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, जापान। अब जापान की बात आई है, तो जापान के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। एक, जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ की करेंसी है येन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।